वहीं सांभर झील जहां पर कभी पहले हजारों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट गूंजती थी, अब फिर एक बार डरावने सन्नाटे में डूब गई है। 2019 में हुई पक्षी त्रासदी की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं। दरअसल एक बार फिर झील क्षेत्र में पक्षियों के मरने की सूचना मिली है, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है, जहां नावा उपखंड अधिकारी जीतू कुल्हारी और तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने झील क्षेत्र का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक 20 से 25 पक्षियों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साल 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से करीब 18,496 पक्षियों की मौत हो गई थी। तो एक बार फिर से पक्षियों की चहचहाट की जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और 2019 की बात है जब तकरीबन 18,000 से भी ज़्यादा पक्षियों की मौत इस क्षेत्र में हो गई थी। तो तहसीलदार रामेश्वर गढ़वाल ने अब झील क्षेत्र का दौरा किया है और पक्षियों के मरने की सूचना की लगातार जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। हमारे सहयोगी कानाराम प्रजापत जुड़ चुके हैं नावा से, सीधा उनका रुख करेंगे। सांभर झील का जिक्र जब भी होता है तो इन पक्षियों की बात होती है, हजारों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट किसी वक्त में गूंजा करती थी। अभी फिलहाल क्या स्थिति है सांभर झील की और इन पक्षियों की? जी, ये कल शाम का मामला है। लगभग जैसे ही सांभर झील क्षेत्र के अंदर बेजुबान पक्षियों की मौत का मामला सामने आया, तब नावा प्रशासन इस संबंध में अलर्ट हो गया था। वहीं आज पक्षियों के लिए रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया था। जी, अब फिलहाल पक्षियों की संख्या बढ़े, क्योंकि जब ऑलरेडी 2019 में इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो गई थी, और उसके बाद पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रयास वहां पर हो रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी, आज ही प्रशासन ने रेस्क्यू टीम के लिए 3-4 टीमों का गठन किया है, वो आज भी झील क्षेत्र के दौरे पर है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो झील क्षेत्र में लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं और अब फिलहाल जो पक्षी हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन अब भी पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।